नमस्कार, आज हम मौजूद हैं भारत गौरव मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कृष्णानंद शास्त्री के पास। हम बात करेंगे इनसे कि शास्त्री जी, इलेक्शन का दौर चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, लोग अपने अपने प्रत्याशी गठित कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये पूर्वी दिल्ली के लिए किस प्रकार का प्रत्याशी चुना जाना चाहिए? पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का अभी तक इतिहास रहा है कि जनसंघ से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उम्मीदवार उतारे हैं वो बड़े परिपक्व थे, वो स्वयंसेवक थे, वो विष्णुपुर से जुड़े हुए थे, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जैसे लाल बिहारी तिवारी और बीएल शर्मा प्रेम जो विष्णुपुर से जुड़े हुए थे, और इससे पहले जो थे महेश गिरी जी थे, अन्य जो भाजपा और जनसंघ के टाइम के जो उतरे ऐसे सारे अनुभवी थे और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ता थे और संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता स्वयंसेवक थे। वर्तमान के जो अभी एमपी थे गौतम गंभीर जी, वो भारतीय क्रिकेट से जुड़े हुए एक प्लेयर थे, मैं उनने भी अच्छा काम किया, महेश गिरी ने भी अच्छा काम किया। मैं ये चाहता हूँ कि इस दिल्ली जो सीट रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सीट है। वेंकटलाल शर्मा के टाइम से एसकेएल भगत से जो 3 बार एमपी कांग्रेस के रहे और जिन्हें जमुना पार का जन्मदाता कहा जाता था बीएल शर्मा भगत जी को, उनसे सीट छीनी थी बीएल शर्मा प्रेम ने। तो मैं ये चाहता हूँ किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए जो संघ से जुड़ा हुआ हो, जो समाज सेवा जुड़ा हुआ हो, जमीन की हकीकत कार्यकर्ता हो। पार्टी को ये बड़े गहन तरीका से विचार करना होगा कि सीनियर किसी कार्यकर्ता को और समाज सेवा के तौर पर बिल्कुल छांट के छपट के फटक के और विचार करके किसी अच्छे उम्मीदवार की यहाँ पर उम्मीदवारी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो यहाँ पर अभी प्रत्याशी चुना जाए, खास करके भाजपा चुने या अन्य पार्टियां जो चुन रही हैं, उनमें क्या क्वालिटी चाहिए जो जनता के हित में होगी? पार्टी के लिए सबसे सर्वोपरि है जनता का सेवा करना। कोई ऐसा उम्मीदवार यहाँ होना चाहिए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो जनता की बात को सुने। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ पर सीवर की बहुत ज़्यादा डैमेज व्यवस्था है, यहाँ पर रोडों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, यहाँ पर आम आदमी सरकार ने इतनी बुरी हालत कर रखी है, बसों की व्यवस्था बहुत ख़राब है। यहाँ पर आप बताएं किसी भी व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी रोड सारे गड्ढे कर रखे हैं, हॉस्पिटलों की व्यवस्था बहुत ख़राब है। इसलिए ऐसा कोई प्रतिनिधि आए, ऐसा कोई उम्मीदवार आए जो इन समस्याओं का हल करें, जैसे लैंडफिल साइड है, कूड़ा करके ढेर बने हुए हैं, आप दूर से देख सकते हैं 500 मीटर पर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, तो इन पहाड़ों को ख़त्म करें। यहाँ स्वच्छता अभियान चला है, यहाँ स्वच्छता की बहुत ज़्यादा कमी है, गली गली में कूड़ा लगा हुआ, नाले गंदगी से पटे पड़े हैं, रोडों में गंदगी पड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं, ये तो MCD का काम है, ये सांसद का काम तो है नहीं। सांसद जो होता है वो प्रतिनिधि होता है, जैसे कूड़े का पहाड़ है, सांसद जब तक भारत सरकार से कोई प्लान नहीं लाएगा तब तक नीचे नहीं उतरेगा। MCD काम है केवल सफाई करना, लेकिन कूड़े का निस्तारण करना सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करती है। तो MP जो होता है वो यहाँ पर प्लान बनाता है, ये राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश है, MCD केवल सफाई की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं लगातार पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मोदी जी योगी जी भी लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा 400 पार होगी? इस बार मोदी सरकार जो हमारी सबसे बड़ी देश में उच्च जीत दर्ज करेगी, जैसे पिछली दफ़े जो 350 सीट थी इस बार वो 400 पार कैसे करी मैं आप बताऊँ। एक तो मोदी गारंटी, 25 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन, उज्ज्वला योजना और आपके बहुत सारे कार्य, जैसे आपका आधार कार्ड से जुड़ना, जमुना पार में अन्य कार्य करना, जैसे NH 24 बनाना, NH 8 बनाना, मेट्रो का विस्तार करना, दिल्ली से मेरठ तक मेट्रो बनाना, देश में बहुत सारे ऐसे योजनाएं मोदी जी लाए हैं, और ऐसे जैसे 370 समाप्त कर देना, 35A को लाना, उसके बाद राम मंदिर बनाना, देश में महिलाओं को सिर ऊपर करना, देश के सम्मान बॉर्डर पर सीमाओं पर बढ़ाना, इसलिए मोदी सरकार ने अन्य बहुत सारे काम किए हैं, ऐसी किसी सरकार ने 70 साल में काम नहीं किए। इसलिए इस बार मोदी गारंटी के साथ इस बार 400 सीट से पार मोदी सरकार बनेगी। आप लंबे समय से समाज सेवी हैं, आपने क्षेत्र का दौरा भी किया है, पूरे क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी भी है, इंडी गठबंधन से क्या नुकसान हो सकता है भाजपा को? इंडी गठबंधन समझिए, बताइए, शीला दीक्षित राय जब ये कह रहे थे आम आदमी वाले कि शीला चोर है, कांग्रेस चोर है, आज उन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट के साथ मिलकर ये प्रचार करेंगे जो उन्हें कल चोर कहते थे, और आज इन्हें ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार उतारा है जिसका अपना राजनीति तो कोई बैकग्राउंड नहीं, एक नया बच्चा उसे उतार दिया आपने, एक MLA यहाँ कल्याणपुरी से है, पहले निगम पार्षद था, आपने उसे उतार दिया,
अब उसे कोई क्षेत्र की बताई नहीं, 10 विधानसभा कितनी, तिमारपुर से लेकर नानकपुरा तक कितनी लंबी लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 10 विधानसभाएं हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे आदमी को आपने उतार दिया, मुझे नहीं लगता आम आदमी इसमें कुछ विकास करना चाहती है। ऐसा लग रहा है आम आदमी कोई मखौल उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। कोई भाजपा अगर चाहती है तो कोई अच्छा उम्मीदवार, अच्छा कैंडिडेट, संघ जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता उतारा जाए जिससे कि पूरी दिल्ली का विकास किया जा सके। तो ये थे पंडित कृष्णानंद शास्त्री, उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहिए जो पूर्वी दिल्ली का विकास कर सके और लोगों की समस्याओं से अवगत हो। HMTV लाइव के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।